अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब हेलो फ्रेंड्स, तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग इसी तरह का कुछ ट्रेंडिंग डीजे स्टेटस ट्यूटोरियल एडिटिंग सीखने वाले हैं। गाइज इस तरह का स्टेटस बनाना बहुत ही आसान है, इसके लिए सिंपली आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है लाइट मोशन। लाइट मोशन को आप मेरे टेलीग्राम चैनल या प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी पिन की वहाँ मिल जाएगा। और गाइज अगर आपको ये सारे फोटोज की एच डी क्वालिटी में चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। वही आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में एक सॉन्ग बिट मार प्रोजेक्ट और एक सेगे फेक करके लिंक मिल जाएगी, आपको सिंपली इस पर टैप करना है, वो आपको डायरेक्टली लाइट मोशन में इंपोर्ट कर देगा। चलिए गाइस यहाँ से वीडियो करते हैं फटाफट से स्टार्ट। लेकिन गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई अभी हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए गाइस फटाफट से वीडियो का ट्यूटोरियल करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आपको अपना लाइट मोशन में बिट मार्क प्रोजेक्ट जब इंपोर्ट करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइस आपका स्टार्टिंग में ग्रुप है, ठीक है, तो चलिए गाइस यहाँ से मैं आपको एडिटिंग करना स्टार्टिंग से सिखाता हूँ। गाइस ग्रुप से फोटो ऐड करने के लिए आपको सिंपली चार फोटोज़ को 9x60 के रेशियो में मतलब कर देना है। चलिए गाइस यहाँ से सिंपली पहले हो जाना है बैक, देन प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके 9x60 का रेशियो को सिलेक्ट करना है और यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। गाइस हमें यहाँ से आपको आके चार फोटोज़ को आपको लेना है, ठीक है। गाइस मैं यहाँ से चार फोटोज़ को ले लेता हूँ और देन यहाँ से आपको 9x60 के रेशियो में सर से आपको फिल कंपोजिशन पर करके यहाँ पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर करंट फ्रेम PNG पर क्लिक करके सेव कर देना है। एक्चुअली यहाँ पे मैं चार फोटोज को इसी तरह से कर करके सेव कर लेता हूँ और थोड़ा सा वीडियो करता हूँ इसकी। सो गाइस मैंने यहाँ पे चार फोटो को 9x60 के रेशियो में सेव कर लिया है। देन उसके बाद क्या करना है गाइस कि आपको मतलब बैकग्राउंड में इमेज सेट करना है, तो बैकग्राउंड में इमेज सेट करने के बाद लिए आपको सिंपली नीचे वाले ग्रीन वाले लेयर पर क्लिक करना है और कलर एंड फिल के ऑप्शन में चले जाना है। और गाइस यहाँ पर आपको स्टार वाला ऑप्शन पर क्लिक करके बैकग्राउंड में आप जो भी फोटो रखना चाहते हैं उस फोटो को आप इस तरह से सेव कर दीजिएगा, ठीक है। देन गाइस आपको ऊपर की ओर फोटो ऐड करने के लिए सिंपली ग्रुप पे क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है। और गाइस अभी हमने जो भी फाइल में मतलब 9x60 के रेशियो में फोटो किया था उस फोटो को आपको ले लेना है। देन गाइस यहाँ पे इमेज वाले लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे कलर एंड फिल के ऑप्शन में चले जाना है और वहाँ पे जाने पर क्या करना है गाइस आपको 1x4 फोटोज़ को यहाँ पे इस तरह से ऐड करना है। गाइस मैंने यहाँ पे एक फोटो को ऐड किया, देन यहाँ पे इसी तरह चार मतलब जो हमारे चार लेयर्स हैं उन सभी लेयर्स पे आपको 1x1 करके फोटोज़ को ऐड करते जाना है इसी तरह। तो गाइस जी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे तीन फोटोज़ को यहाँ पे ऐड कर दिया है, देन हमारा एक लास्ट फोटो अब ऐड करना है और यहाँ पे भी मैं उसे भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से हमारे जो ग्रुप पे देख सकते हैं फोटो कितने अच्छे से ऐड हो चुका है। देन गाइस उसके बाद क्या करना है कि नेक्स्ट पेज पे आना है, आपको नेक्स्ट पेज पे गाइस आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया में जाके आपको आगे का जो फोटोज़ वगैरह है उस फोटो को इस तरह से सिंपली टैप करना है और यहाँ पे क्लिक करके आपको फिल कॉम्पोजिशन एरिया पे कर देना है। देन गाइस नेक्स्ट पेज पे आकर उसके एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर देना है। गाइस इसी तरह से आपको मतलब अब शुरू से लेकर लास्ट तक ऐड करना है और अब यहाँ पे देखते जाना है नीचे की साइड यहाँ पे जो इफेक्ट नंबर है यहाँ पे आपको दो वीडियो क्लिप दो जगह आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे गाइस यहाँ पे एक देख सकते हो एक ये वीडियो क्लिप है और देन आपको एक और वीडियो क्लिप वाला जगह मिलेगा देखने को, ठीक है। गाइस इन दो जगहों पर आपको कुछ नहीं करना है, गाइस इस तरह से आपको छोड़ देना है। देन आपको इसी तरह से फोटो को 1x1 ऐड करना है, वीडियो क्लिप वाले जगह पे केवल आपको फोटो को ऐड नहीं करना है। तो चलिए गाइस सारे फोटोज़ को ऐड करते हैं और थोड़ा सा वीडियो करते हैं स्किप। सो गाइस आपको जो सारे फोटोज़ को ऐड कर रहे हैं देन गाइस यहाँ पे आपको आना है वीडियो क्लिप वाले पे और गाइस यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके मीडिया में चले जाना है। और गाइस मैं वीडियो क्लिप को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा, आपको वहाँ से जाके इजीली वीडियो क्लिप को ले लेना है। गाइस उस वीडियो क्लिप को आप देख सकते हो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। गाइस हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट वीडियो क्लिप है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो क्लिप को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। गाइस सॉरी, यहाँ पे मैं सेकंड वीडियो क्लिप को मैंने ऐड कर दिया था। गाइस हमारा फर्स्ट वीडियो क्लिप कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, ठीक है। गाइस इस तरह से ऐड कर देना है। देन गाइस इसके नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक आपको ऐड करना है। गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलती कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक वो आपको वीडियो क्लिप को ऐड करना है और ऐड करने के बाद क्या करना है गाइस, ये आपको सेकंड वीडियो क्लिप वाले जगह पे आना है। और गाइस हमारा जो सेकंड वीडियो क्लिप है मैं उसको भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। गाइस हमारा सेकंड वीडियो क्लिप भी देख सकते हैं ऐड हो चुका है यहाँ पे इस तरह से। गाइस इस तरह से आपको वीडियो क्लिप को ऐड करना है। देन आपको क्या करना है गाइस, सिंपली हो जाना है यहाँ से बैक, ठीक है। और गाइस बैक होने के बाद आपको जो अपना सेक इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट है सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन करना है और यहाँ से आपको गाइस यहाँ पे आपको इफेक्ट सब देखने को मिल जाएंगे।
भाई यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट इफेक्ट है आपको सिंपली फोटो पर टैप करना है, देन इफेक्ट में चले जाना है और यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करके इसे कॉपी इफेक्ट कर लेना है। कॉपी इफेक्ट करने के बाद गाइस आपको क्या करना है कि अपना सॉन्ग बिट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है, देन स्क्रॉल करके आपको नीचे की साइड चले जाना है और गाइस ग्रुप के बाद जो हमारा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों इफेक्ट को यहाँ पे वन बाय वन करके ऐड करना है। गाइस सबसे पहले फोटो पे हमें फर्स्ट इफेक्ट ऐड करना है, देन गाइस हमें सेकंड फोटो पे कुछ नहीं सेकंड फोटो पे आपको सेकंड वाला इफेक्ट ऐड करना है, फिर आपको थर्ड फोटो पे फर्स्ट इफेक्ट को ऐड करना है। ठीक है गाइस इस तरह से आपको फर्स्ट वाला इफेक्ट में पेस्ट करना है, जो हमारा जो फर्स्ट इफेक्ट है उसका काम कंप्लीट हुआ, देन हमें सेकंड वाला इफेक्ट ऐड करना है। ठीक है गाइस हमें यहाँ पे इसे भी इस इफेक्ट को भी कॉपी कर लेते हैं, देन हमें अपना सॉन्ग बीट मार्क जो ओपन करना है और इसी तरह से इफेक्ट्स को ऐड करना है। चलिए गाइस मैं यहाँ पे इफेक्ट को ऐड करता हूँ और फटाफट से थोड़ा सा वीडियो कर देता हूँ स्किप। और गाइस थर्ड इफेक्ट को ऐड करने में आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करना है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ थर्ड इफेक्ट कैसे ऐड मतलब कहाँ कहाँ करना है। गाइस आपको स्टार्टिंग में तो सबसे अपना सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है और हमारे जहाँ से थर्ड इफेक्ट स्टार्टिंग है आपको यहाँ पे आना है। ठीक है और यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, दोनों इफेक्ट को जिस तरह जैसे है उसी तरह से आपको पेस्ट कर देना है। देन गाइज आपको आगे आना है, आगे की ओर हमारा एक और जगह थर्ड इफेक्ट ऐड है। ठीक है मैं वहाँ पर आपको बताता हूँ। गाइज यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि फर्स्ट फोटो पर टैप करना है, इफेक्ट में चले जाना है और यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट कर देना है। और गाइज आपको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपको एक रिपीट करके ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सिंपली उसे ऑफ कर देना है। ठीक है और उसको फिर क्या करना है गाइज नेक्स्ट पेज पर आके दोनों इफेक्ट मतलब जो इफेक्ट है उसको सिंपली इसी तरह से पेस्ट कर देना है। गाइज पेस्ट कर देने के बाद आपको जो जितने भी सारे इफेक्ट हैं सारे इफेक्ट को नॉर्मली इफेक्ट नंबर के हिसाब से आपको फोटो पे देख के ऐड कर देना है और सिंपली गाइज आपको जब सारे इफेक्ट ऐड कर दोगे तो यहाँ पर क्लिक करके वीडियो कर देना एक्सप्लोर, आपका वीडियो 2 से 3 मिनट में बनके रेडी हो जाएगा। गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देगा। और गाइज ऐसी एडिटिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि तुम्हारा भाई गाइज ऐसी एडिटिंग में से लेके आते रहता है। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।